जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्ट्र के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के चार वर्ड्स जिनमें शामिल हैं फादर फादर फर्दर और फैदर के मीनिंग को समझेंगे इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में ट्यूटोरियल ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों आज का पहला वर्ड है फादर फादर पिता को कहते हैं वालिद को कहते हैं बाप को कहते हैं इसके अलावा फादर जो है जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसमें जो पेस्टर होता है पादरी होता है उसको भी फादर कहा जाता है यहाँ पे हमने पहला सेंटेंस बनाया व्हाट्स योर फादर्स नेम आपके अबू का नाम क्या है आपके पिता का नाम क्या है व्हाट्स योर फादर्स नेम इसके अलावा आप कह सकते हैं हु इज़ योर फादर कि आपके वालिद कौन हैं पाँच छः बंदे खड़े हैं तो मैं पूछता हूँ हु इज़ योर फादर आपके पिता कौन हैं आपके वालिद कौन हैं एक और सेंटेंस बनाते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि माई फादर इज़ अ ब्रेव मैन के मेरे वालिद मेरे पिता जो हैं वो बहादुर आदमी है दोस्तों आज का जो दूसरा वर्ड है वो है फार्दर फार्दर का मीनिंग होता है दूर जिस तरह कोई चीज आपसे दूर हो तो वो फार्दर अवे है यहां पे हमने पहला सेंटेंस बनाया ही थ्रू द बॉल फार्दर देन वी एक्सपेक्टेड उसने जो हमारी तो थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी दूर बॉल फेंका उसने हमारी एक्सपेक्टेशन से दूर बॉल फेंका एक और सेंटेंस बनाते हैं द हाउसेज आर फादर अपार्ट इन दिस एरिया शायद हम शहर से बाहर निकल गए हैं और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो घर हैं वो दूर दूर हैं द हाउसेज आर फादर अपार्ट इन दिस एरिया दोस्तों आज का जो तीसरा वर्ड है वो है फर्दर फर्दर का मीनिंग होता है जिसे हम कहते हैं ना फर्दर मोर फर्दर तो इसका मीनिंग होता है इसके साथ साथ इसके अलावा जिस तरह फर्दर मोर यू कैन बाय इट ऑन अ डिस्काउंट मैं आपको कोई चीज़ बेच रहा हूँ और मैं उसकी आपको स्पेशलिटीज़ बताता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ उसके बाद मैं कहता हूँ फर्दर मोर यू कैन बाई इट ऑन अ डिस्काउंट इसके साथ साथ आप इसको डिस्काउंट पर ख़रीद सकते हैं या फिर फिर हम ये भी कह सकते हैं फर्दर मोर यू कैन ऑल्सो टेक इट विद वाटर ये गोली जो है इसके बड़े फ़ायदे हैं इसके साथ साथ आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास दोस्तों से वर्ड है वो है फा फैदर फैदर का मीनिंग होता है पर जिस चिड़िया के पर होते हैं फैदर्स जिस हमने यहाँ पे कहा अ बर्ड हैज़ टू फैदर्स परिंदे के दो पर होते हैं इसके अलावा एक इंग्लिश में इडियम है फोक्स ऑफ फैदर्स फ्लाई टुगेदर यानी कि जिनकी आदतें एक जैसे होती हैं वो एक साथ ही उड़ते हैं फोक्स ऑफ फैदर्स फ्लाई टुगेदर दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के ये जो हमने आज चार वर्ड्स देखे हैं जिनमें शामिल हैं फादर फैदर फर्दर और फादर के मीनिंग समझ आगे होंगे अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज़ का एक्सरसाइज के तौर पे आपने ये जो इंग्लिश के चार वर्ड्स हैं इनमें से दो वर्ड्स को यूज़ करना है और दो छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उन सेंटेंसेस में कोई गलती तो नहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें क्वेश्चंस एंड कमेंट्स के लिए आप कमेंट्स बॉक्स यूज़ कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया मैं हूँ आई फैक्शनर मिलूँगा आपसे कॉल नए वीडियो ट्यूटोरियल में आंटिल देन टेक केयर कीप लर्निंग कीप इन्जॉइंग गुड डे लाइक शेयर सब्सक्राइब आई फैक्टनर